नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अक्सर पीएम मोदी की बातों में काशी का जिक्र सुनने को मिल ही जाता है। पीएम मोदी यूं ही नहीं कहते कि काशी उनके दिल में बसती है और उन्हें इस शहर से इस वक्त हर वक्त कितना लगाव रहता है, कितनी चिंता रहती है। जी हाँ, पीएम मोदी ने इस बात को साबित करके दिखा दिया है कि सच में उन्हें वाराणसी से कितना लगाव है, कितना प्यार है। भारत के प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद वह एक सांसद के रूप में अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, वह भी तब जब उनका लाइफस्टाइल इतना बिजी है। इसका एक प्रमाण हमें शुक्रवार को मिला। दरअसल ट्विटर पर एक संस्था लॉस टेम्पल ने काशी का एक प्राचीन मंदिर की फोटो पोस्ट करके ये सवाल पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि किस महान शहर का मंदिर है। इस ट्वीट के साथ संस्था ने संकेत के रूप में वाक्यांश भी लिखा, जिसमें लिखा गया, इतिहास से भी प्राचीन, परंपराओं से भी प्राचीन, काविंदियों से भी प्राचीन, और जो उन सभी प्राचीनताओं को एक साथ संजो कर रखे। आपको बता दें कि यह ट्वीट शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास किया गया, जिसके महज 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने रीट्वीट करते हुए इसका जवाब दिया, जरूर मैं पहचान सकता हूं यह काशी का रत्नेश्वर मंदिर है। अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ जवाब देते हुए साथ ही उन्होंने सन 2017 के देव दीपावली महोत्सव की फोटो भी शेयर की। फोटो में उस वर्ष 3 नवंबर को देव दीपावली महोत्सव के दौरान असंख्य दीपों से प्रकाश के रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अलोकित होता दिख रहा था। बहुत सुंदर दिख रहा था उस समय मंदिर। इस छोटी सी जानकारी से दंग होकर संस्था ने पीएम को जवाब भेजते हुए लिखा थैंक्स, जिसके बाद अभी तक उस पर हजारों की संख्या में रीट्वीट हो चुके हैं। जिसके बाद एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या है ये लॉस टेम्पल। तो आपको बता दें कि लॉस टेम्पल भारत का प्राचीन मंदिरों धरोहरों की खोज उनके संरक्षण के लिए सक्रिय संस्था है। इसने कई प्राचीन और जर्जर हो चुके ऐतिहासिक मंदिरों की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है। दक्षिण भारत में इसकी भूमिका की विशेष चर्चा होती रहती है। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।